हर घर तिरंगा, इससे काफी खुश है हमारे पूरा भारत के देशवासी और हम सब मिलकर के एक साथ कल 15 अगस्त मतलब हमारी देश की शान है, ये हमारी देश की आन बान और शान है और हम चाहते हैं कि हर घर पर तिरंगा फहराया जाए, हर घर पर तिरंगा हमारी शान को देश में हर घर गौरव से मनाया जाए और तिरंगा को शान और शौकत से हर घर पर फहराना जाए। इसके लिए हम अपने क्षेत्र में अपने पब्लिक को अपने जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि हर जनता हर अपने घर पे हर घर पे अपना झंडा फहराए और देश की शान के चेहरे पर एक तरह से खुशी का है, देशभक्ति की भावना है, खुश है ना दादा, देख रहे हैं देशभक्ति। इसी अगर यही देशभक्ति भावना हमारे अंदर रहेगा तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, है ना। देखिए बड़े बुजुर्ग पुरुषोत्तम चलते हैं, कभी नहीं हारने वाले हैं, साथ मेरे साथ है, जब हम हैं तो ये भी है तो हम हैं। देखिए यहाँ बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद, ये भी बुजुर्ग आए हैं, ये भी बुजुर्ग आए हैं, दादा ये भावनाएं बहुत अच्छा है, अगर इसी तरह भावनाएं हमारा रहेगा तो हमारा देश हमेशा आगे बढ़ता रहेगा ना, है ना। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। जैसे कि ऑल ओवर इंडिया में हर घर तिरंगा जैसे कि चल रहा है और खासतौर पर 14 अगस्त है, उसके बीच मधुरी पंचायत के तरफ से खासतौर पर मधुरी पंचायत के सरपंच मित्र रहमान और विधानसभा शिक्षा के तौफीक अहमद के तरफ से भी एक तरह से घर घर तिरंगा रैली निकाली जा रही है, बड़ी तादाद में एक तरह से देशभक्ति की भावनाएं जो है, और इसी बीच पूरा पंचायत घूमकर यहां पर आ गए हैं पुरुषोत्तमपुर थाने के पास। ओवरऑल बहुत ही एक्साइटमेंट है, बहुत ही एक तरह से देश भावना है ओवर है, और क्या कहेंगे आप लोग, एक तरह से पूरा हिंदुस्तान में आज देशभक्ति का माहौल है और आप लोग भी तिरंगा यात्रा या घर घर रैली निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे। हाँ देखिए, तिरंगा हमारी देश की शान है, ये हमारी देश की आन बान और शान है और हम चाहते हैं कि हर घर पर तिरंगा फहराया जाए, हर घर पर तिरंगा हमारी शान को देश में हर घर गौरव से मनाया जाए और तिरंगा को शान और शौकत से हर घर पर फहराना जाए। इसके लिए हम अपने क्षेत्र में अपने पब्लिक को अपने जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि हर जनता हर अपने घर पे हर घर पे अपना झंडा फहराए और देश की शान को और ऊंचा बढ़ाए। क्या कहेंगे, मतलब 15 अगस्त कल है, 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के, ओवरऑल बहुत ही एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी है लोग। हमारे देश हमारा आज ही के दिन 15 अगस्त के दिन हमारे देश की आज़ादी मिली थी और ये बड़ी गर्व और सम्मान की बात है कि हम सब भारतीय एक साथ मिल करके और इस महापर्व को बहुत ही खुशी से मनाते हैं। तो देखिए आपके पीछे पूरा आपके गांव वाले, आपके इलाका के पूरा पंचायत विधानसभा के लोग आए हैं, क्या कहेंगे, क्या मुबारकबाद देंगे। हाँ एकदम, मैं अपने क्षेत्र के हर एक पब्लिक को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इसमें शामिल होकर के इस महापर्व को, इस तिरंगे की शान को ऊंचा करें और इस महापर्व को हर एक साथ मिल करके और महापर्व को एक साथ मिल करके मनाए। हम अपने क्षेत्र के हर एक पब्लिक को, हर एक जनता को, बूढ़े के बच्चे को, जवान को, हर उनको धन्यवाद देता हूँ कि इस पर्व में, इस महापर्व में, युग में शामिल हुए हैं और इस शोभा को आगे बढ़ा रहे हैं। घर घर तिरंगा, और इसी बीच मधुर पंचायत के मधुर रहमान सरपंच है, ओवरऑल आप लोगों ने देखिए एक तरह से इतिहास रच दिया है, हर घर तिरंगा और रैली, क्या कहेंगे, क्या मुबारकबाद देंगे। देखिए ये गवर्नमेंट का मुहिम है और ये बहुत अच्छा पहल की है गवर्नमेंट हमारी, मतलब मोदी सरकार ने बहुत अच्छा ये मतलब ये है कि हर घर तिरंगा फहरे और इससे हम तमाम पंचायत के वासी काफ़ी खुश हैं और खुशी का लहर देखने को मिल रहा है और यहाँ हमारे साथ देख रहे हैं हमारे पंचायत के बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग इस तिरंगा यात्रा में मतलब शामिल हैं और हमारे विधायक प्रत्याशी तमन्ना खातून भी हैं, साथ में मौजूद हैं और उनके पति भी, उनके सहयोग से हम लोग मतलब साथ साथ में लेकर चलते हैं और ये बहुत खुशी का ये 15 अगस्त ये जो है हम लोग खुशी मनाएंगे और हर घर तिरंगा फहराएंगे। इसमें हमको और हमारे पंचायत वासी को पूरा एकदम तमाम तहे दिल से गवर्नमेंट का शुक्रिया है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जो सकी मैं आपको दिखा रहा हूँ हर घर तिरंगा, नौजवान बच्चे मासूम है वो भी एक तरह से तिरंगा लहरा रहे हैं और पूरा एक तरह से अमृत महोत्सव बन रहा है, हर किसी के चेहरे पर एक तरह से खुशी का है, देशभक्ति की भावना है, खुश है ना दादा, देख रहे हैं देशभक्ति। इसी अगर यही देशभक्ति भावना हमारे अंदर रहेगा तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, है ना। देखिए बड़े बुजुर्ग पुरुषोत्तम चलते हैं, कभी नहीं हारने वाले हैं, साथ मेरे साथ है, और जब हम हैं तो ये भी है तो हम हैं। देखिए यहाँ बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद, ये भी बुजुर्ग आए हैं, ये भी बुजुर्ग आए हैं, दादा ये भावनाएं बहुत अच्छा है, अगर इसी तरह भावनाएं हमारा रहेगा तो हमारा देश हमेशा आगे बढ़ता रहेगा ना, है ना।
बड़ा झंडा हमारे पंचायत के तमाम ग्रामीण वासी यहाँ मौजूद है और काफी खुश है ये गवर्नमेंट का जो स्कीम चला है, मुहिम चला है कि हाँ हर घर तिरंगा, इससे काफी खुश है हमारे पूरा भारत के देशवासी और हम सब मिल करके एक साथ कल 15 अगस्त मतलब फहराया झंडा फहराएंगे। झंडा दुकान में बदल दिया। देखिए ये भावनाएं हैं जो कि एक तरह से लालहा उठा है पूरा हिंदुस्तान वासी। और ये देखिए गांव के ये लोग हैं एक तरह से, ये भी जैसे एक तरह से यात्रा निकल रहा हर घर तिरंगा का, पूरा लोग देखने के लिए बेकरार हैं।